सियापुर का मोर कौन, रजनी बाला का कातिल कौन, सियापुर का मोर कौन, वे मार जस्टिस, 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 देखिए ये प्रोटेस्ट 31 दिन से चल रहा है, कश्मीर में कंटिन्यूअसली चल रहा था, लेकिन जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें वहाँ पे प्रोटेक्शन देने में नाकाम हुई है, बिल्कुल फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, उस वजह से हमें फिर से पलायन करना पड़ा कश्मीर से। एक पलायन 19 जनवरी 1990 को हुआ था और दूसरा 1 जून 2022 से शुरू हुआ और जो अभी तक भी चलता आ रहा है। और हमारी डिमांड है सरकार से कि हमें रिलोकेट कीजिए, तब तक जब तक कि आप कश्मीर को टेरर फ्री घोषित नहीं कर देते, जब तक आप ग्राउंड लेवल पे इसको आप पार्लियामेंट में झूठे बयान देते, झूठे वादे करोगे आप, वो नहीं चलेगा। अब हम उस फियर साइकोसिस में नहीं जिएंगे, हमें जीने का हक है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को है, वही हमको आपको भी है, वही मुझे भी है। तो मुझे पिस्टल लेके तो नहीं आया, दुकान पे जाते हैं हम कोई पिस्टल लेके तो नहीं आया, तो पूरा टाइम हमारे माइंड में यही चलता रहता है। इसलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें रिलोकेट कीजिए, रिलोकेट कीजिए, रिलोकेट। ओनली सॉल्यूशन रिलोकेशन, ओनली सॉल्यूशन रिलोकेशन, ओनली सॉल्यूशन रिलोकेशन। देखिए सुरक्षा की एरिया से सरकार कहना क्या चाहती है, तहसीलदार के ऑफिस में जाके, जो मजिस्ट्रेट ऑफिस है सामने, पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके गोली मारी जाती है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। स्कूल में जाके और हर जगह ये वातावरण है कि कहीं पे भी गोली मारी जा सकती है वहाँ पे माइनॉरिटी को। क्या कुछ सोल्यूशन दोबारा से ये टारगेट किलिंग वाले काम जो है वो लगातार? बिल्कुल, देखिए समस्या हमारे साथ है तो सरकार को चाहिए कि हमसे सोल्यूशन सुने। सोल्यूशन एक ही है कि जब तक कश्मीर में शांति बहाल नहीं होती है ग्राउंड लेवल पे, मैं फिर से कहना चाहता हूँ ग्राउंड लेवल पे, आप क्या कहोगे मीडिया में वो अलग बात है, ग्राउंड लेवल पे जब वहाँ पे आप उसको जीरो टेरर घोषित नहीं कर देते, तब तक हमें रिलोकेट कीजिए आउटसाइड द वैली।